अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बचा रहना चाहिए। तो देश बचा रहना चाहिए, अपने आप को धर्म में पार्टी में मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो। जिस एमपी को आज से कई साल पहले थे अपने सीट पे, उनको राम मंदिर से चिढ़ थी, ये बताओ ना कांग्रेस और झाड़ू एक कैसे हो गई। अभी आपने सवाल करा कि यहाँ पे के यहाँ के एमपी को देखा गया है, देखा गया है सिर्फ नारियल फोड़ने की वजह से। वोटिंग मशीन अपनी है ना, 400 के 450 भी हो जाएंगी। आप ये देखो, इससे पहले जय श्री राम, अब मोदी परिवार, ये कब तक झूठ बोलते रहेंगे, पब्लिक पे नीचे आना पड़ेगा। यही कराएंगे, जब जब राहुल प्रचार करते हैं उनकी नैया डूबती जाती है। अब की बार तो ये द्वारका के अंदर, जैसे वो द्वारका नगरी गई थी ना, उससे भी ज्यादा पत्ताल लोक के अंदर कांग्रेस जाने वाली। कांग्रेस का तो दिल्ली के अंदर अस्तित्व खत्म हो चुका है। उसके बाद एक गृह मंत्री जी ने कहा 300 पार, तो इसका मतलब 300 पार का मतलब 300 पार मशीनों में सेटिंग हो गई। अब इनका एक ही नारा है 400 पार मशीनों में। आप देखिए लॉजिक जो है वो लॉजिक है, नहीं लॉजिक है तो लॉजिक है, समझो। हार नहीं मान चुके, ये बेईमानी, नहीं 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 नहीं, ये बेईमानी राहुल गांधी की। देखिए हंस क्यों रहे हैं सर? अरे आपने राहुल गांधी का नाम ले दिया स्टॉप पे, कोई राहुल गांधी जो सीए आ रहा है वो मुझे लगा कि बिल्कुल आना चाहिए और बहुत पहले आना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान में कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, आखिर आप कितने तैयार हैं ये जानने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और खास आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। नमस्कार, आपके साथ हूँ मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसलिए आप यहाँ खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर उठा सकते हैं अपनी बात, अपनी आवाज, बता सकते हैं कि आपके इलाके में इन 5 सालों में संसद ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इस वक्त बोल भारत बोल। इस वक्त हम लोग चांदनी चौक के बल्ली मारान में मौजूद है और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, साथ ही बीजेपी के निगम पार्षद भी मौजूद हैं। सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम बोल भारत बोल। आम जनता कहाँ पर है? ये री सांसद को देखा है कभी इलाके में? देखा है जी। देखा है क्या करते हुए? ये हमारा एमसीडी का कम्युनिटी हॉल बनवाया, रानी झांसी फ्लाईओवर बनाया। सांसद की बात कर रही हूँ मैं, ही बात कर रहा हूँ। कौन है सांसद का नाम? हर्षवर्धन जी। क्या काम करते हो देखा है? यही काम करा है, वो खुद थोड़ी हाथ से करेंगे काम। मैं वही पूछ रहा हूँ क्या काम करा है, किस कार्यक्रम में वो आए? कम्युनिटी हॉल बनवाया उन्होंने, रानी झांसी फ्लाईओवर बनवाया है और बाकी सारे जो भी लेडीज का होता है वो विधवा औरतों को पेंशन वगैरह वो सब काम कराते। ठीक है, कहाँ है आम जनता? देखा है कभी सांसद को इलाके में? जी वही काम कराया अभी तक तो। आपके लिए क्या काम करवाया, जनता के लिए क्या काम हुआ है? जनता के लिए बहुत काम करे हैं वैसे, और आगे भी करेंगे वो, और पब्लिक भी वैसे ठीक है, इतना बुरा नहीं मानती उन्हें, आज तक के काम बढ़िया करे। ठीक है, चलिए अब की बार बीजेपी का 2024 का सबसे बड़ा ऐलान, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को जो वोटिंग है वो होगी और मतगणना जो है वो 7 चरणों में होगी, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। चलिए क्या कैसे होगा ये 400 पार का आंकड़ा पर? 400 पार बड़ी आसानी से होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य लेकर हम घर घर तक जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, नारी को धुआं मुक्त कराने वाला उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर मिले, नारी का सम्मान हुआ, बहुत ऐसी योजनाएं, इतनी योजनाएं हैं कि मैं गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। सब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है। किसी ने सोचा था कि धारा 370 समाप्त होगी? किसी ने सोचा था कि राम का मंदिर बनेगा? किसी ने सोचा था कि गरीबों के लिए सोचने वाली कोई सरकार आएगी, रोजगार देने वाली कोई सरकार आएगी? रोजगार विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया रहा है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी योजना है, झड़ी लगा रखी है मोदी जी ने। सब लोग मोदी जी के साथ हैं और दोबारा तिवारा चौबारा और आने वाली कई
सालों तक मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार बनेगी और सभी युवा, सभी राष्ट्रवादी लोग, सभी देश को समझने वाली आज पूरे विश्व के पटल पे भारत माता की जो जयघोष गूंज रही है वो प्रत्येक भारतवासी भारतीय जनता पार्टी का वोट देके और तेजी से गुंजवाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये 400 पार का आंकड़ा पार? मुझे तो अपने बीजेपी जी जो मेरे दोस्त खड़े हुए उनकी बात पे हंसी आ रही है। अच्छा। वैसे चुटकी ले रहे हैं आप? अभी आपने सवाल करा कि यहाँ पे के यहाँ के एमपी को देखा गया है, देखा गया है सिर्फ नारियल फोड़ने की वजह से, वो भी कुछ जगह पे। शायद ये मेरे दोस्त जीत के आए, इन्होंने उन्हें बुलाया, बाकी उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करा। अगर शायद क्षेत्र के लिए काम करते तो शायद उनकी टिकट नहीं कटती। इसी मारे बीजेपी ने उनको हटाया, उनकी टिकट काटी, क्योंकि वो क्षेत्र में पूरे 5 साल नहीं दिखे। सांसद को देखा आपने? जी नहीं, नहीं देखा हमने, पर हाथ जोड़ते हुए देखा उनको और दुनिया को दिलासा देता हुआ देखा है और बाकी कुछ नहीं करते हुए देखा उनको। हाँ जी, बाकी बेमतलब की बातें करने आते हैं, जो भी करने आते हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो दिखा या कुछ काम दिखाओ, बिल्कुल भी कुछ नहीं। 5 साल परेशानी ऐसी है यहाँ पे जो हम बता नहीं सकते। कभी कभी उन्होंने भला नहीं चाहा, इलाके का, समाज का, किसी भी चीज का भी भला नहीं चाहा उन्होंने। क्या है आपकी समस्या? हमारी बहुत सारी समस्या, गली मोहल्ले की, साफ सफाई की लगा लो, और भी कई चीजों की है। साफ सफाई की तो मानती हूँ, मेरे आने से पहले ही साफ सफाई हुई भी नहीं थी, मेरे आने के बाद। दीदी अब भी नहीं हो रही, अब भी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी बहुत गंदा माहौल है, बड़ा है। ये तो साफ सफाई की बात तो पार्षद जी के पास चलते हैं, साफ सफाई के ऊपर तो सब। 5 बज रहे हैं, सुबह 6 से 7 के बीच में सफाई होती है। मौसम पतझड़ का चल रहा है, आपने देखा होगा कि पत्ते ही सारे सकेरे गए हैं। रही बात सफाई की, हमने एक अपना ग्रुप बना रखा है स्वच्छता सैनिक, सुबह उसमें कम से कम 250 फोटो लोकेशन लैटिट्यूड और लोटिट्यूड के साथ डलते हैं, पत्तों के साथ, लेकिन कचरा भी था। नहीं तो यहाँ पे जो है आप कितनी बार भी सफाई कराएं कचरा रहेगा, इसलिए हम लोगों को जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। 400 पार का जो आंकड़ा है ये कैसे पार होने वाला? वो मशीन अपनी है ना, दबाव 400 पार, 400 के साथ। कौन सी मशीन? वोटिंग मशीन अपनी है ना, 400 के 450 भी हो जाएंगी। आप ये देखो, इससे पहले जय श्री राम, अब मोदी परिवार, ये कब तक झूठ बोलते रहेंगे? पब्लिक पे नीचे आना पड़ेगा, जब तक नीचे नहीं आए 400 पार नहीं होनी है। ये हमारा बच्चे है तो जीतेगा, दोबारा भी चुनाव फिर जीतेगा ये, मगर हमने तो उसको एमपी को कभी देखा ही नहीं है। 5 साल में एमपी को देखा ही नहीं है कभी भी। कोई जनता बता दे 5 साल में कहीं एमपी आए हैं? कोई पूरी जनता बता दे कभी एमपी आए हैं यहाँ? हर्षवर्धन जी, अगर वो उनका काम होता तो टिकटें क्यों कटती? काम ही तो नहीं है, काम होता तो टिकटें नहीं कटती। सर कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? एमपी तो आपके भी नहीं आए कभी यहाँ पर। जिस एमपी को आज से कई साल पहले थे अपने सीट पे, उनको राम मंदिर से चिढ़ थी। ये बताओ ना, कांग्रेस और झाड़ू एक कैसे हो गई? जो झाड़ू यूं कहती थी कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, लोगों के लिए गलत है, ये है, हमारे पार्षद ने, पिछले भी पार्षद ने, कमल भाई हमारे रोड बनवा चुके हैं, वो प्रेमनगर कूड़े खत्ते का रोड बनवा चुके हैं, एक स्कूल बन रहा है। आपका पिछले पार्षद ने क्या झोपड़ी क्यों नहीं बनाई बताओ ना? लॉकडाउन के अंदर राशन क्यों नहीं? आपका मुकेश कार्यकर्ता, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ता, राशन का गोदाम और पब्लिक का राशन खा रहा था, ऐसा क्यों? भाई मोदी जी तो राशन दे रहे थे ना, आप 8 किलो का 5 किलो दे रहे हो, आप उसके पक्ष में बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं से लड़ रहे हो, किस विषय पे लड़ रहे हो जी आप? ठीक है, कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि हमारे साथी ने कहा कि सांसद यहाँ आते नहीं है और वो कह रहे नारियल फोड़ने के लिए आते हैं। आपने कहा कि 400 पार कैसे, यही कराएंगे 400 पार? राहुल गांधी की जो न्याय जोड़ो यात्रा है, न्याय जोड़ो यात्रा, उसका फर्क मतलब आप लोगों को होगा? सुनो तो, यही कराएंगे। जब जब राहुल प्रचार करते हैं उनकी नैया डूबती जाती है। अब की बार तो ये द्वारका के अंदर, जैसे वो द्वारका नगरी गई थी ना, उससे भी ज्यादा पत्ताल लोक के अंदर कांग्रेस जाने वाली। कांग्रेस का तो दिल्ली के अंदर अस्तित्व खत्म हो चुका है। रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं परसों का एक एपिसोड बता रहा हूँ, लाभार्थी सम्मेलन था भारतीय जनता पार्टी का नेहरू स्टेडियम के अंदर, 1:15 का समय था। मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि खाना बनाना है, मैंने कहा मोदी मोदी मोदी, बोली क्या हुआ? मैंने समझ जा, केजरीवाल ने 4 दिन पहले ही कहा था कि अगर आपके पति मोदी मोदी करें तो उन्हें शाम को खाना मत देना,
बहनों अपने भाइयों को कसम दिलाना कि मोदी को वोट मत देना, माताओं अपने बच्चों को कसम दिलाना मोदी को वोट मत देना, ऐसा नहीं होने वाला। पत्नी खाना भी देगी, बहनें कसमें भी चढ़ाएंगी कि मोदी को ही वोट देना, और माताएं भी कसम दिलाएंगी कि अपने बच्चों को मोदी को ही वोट देना। फिर तीसरी बार मोदी सरकार। और रही बात दूसरी, मैं 400 की बात बता रहा हूँ, माता बहन की बात हुई, वोट देंगे मोदी तो ही, हमारी सरकार है बहुत सालों की, 30-35 साल हो गए मैं काम करते, फूल वालों के साथ में आज के नहीं है, बहुत पुराने तारी करता हूँ। किसको वोट डालेंगे? मोदी को देंगे हम तो, और क्या। क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? हमारा नाम है मोदी जी, नाम है इसलिए बस वोट देंगे। काम क्या है ये बताइए, करते ही है। क्या काम कर आपके लिए? काम कर रहे हैं, बता कर रहे हैं, सब सड़कें बनवाई है, लेकिन बन रही ये बन रही वो बन रही, सारे काम हो रहे हैं दिल्ली में, क्या नहीं हो रहा, सब काम हो रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में तो लेकिन सीएम तो केजरीवाल है, फिर क्या काम? केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा कुछ भी? अभी सुबह सुबह तो उन्हें जमानत मिल गई। नहीं कुछ नहीं कर रहा, झूठी है ये सब बातें, सब झूठी है। ठीक है, सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से सिर्फ एक सवाल है मेरा, ये वोट किसको करेंगे? मेरे को इनके कुछ मित्र मिले, अरे एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुन लो, मेरे को कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कुछ मित्र मिले, ये लोकल एरिया है, इस गली से जाओ तो उधर से मिल जाते हैं। मैंने कहा भाई अब की बार क्या विचार है? तो झाड़ू वाले बोले कि हम ही ने वोट दें, हम तो इन्हें ख़त्म कर चुके, मैंने दिल्ली में चिंता करें। मैंने कांग्रेस वालों से पूछा भाई तुम्हारा क्या विचार है, कह रहे इन्होंने तो हमारा बेड़ा कर रखा है, हम इसको वोट देंगे क्या? पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो, महंगाई कितनी भी हो, आएगा तो मोदी ही। क्या कट्टी पट्टी भी नहीं बनवाई, कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। हाँ मतलब ये जी हमारे 200 शौचालय इलाके में एक भी नहीं बने, एक बनने में तैयार हो रहा है, उसको 6 महीने से ऊपर हो गया है, हमारी फैमिली बहन बेटे सब परेशान होती है, उन्होंने कुछ नहीं करा आज तक। अब कमल भाई आए हुए, अब उद्घाटन हो रहा है, अब काम चल भी रहा है उनका। जैसे मेरे दोस्त ने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दिल्ली में मिलके लड़ेंगे, पंजाब में भी मिलके लड़ेंगे, और पंजाब में भी मिलके लड़ेंगे। और रही बात ईवीएम मशीन की, तो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं तैयार होते बीजेपी वाले? हटा ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर पे करा के देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा 400 पार या फिर 500 पार, बैलेट पेपर पे आए ना, क्यों नहीं आ रहे बैलेट पेपर पे? बैलेट पेपर पे कराएं। कोई डर है क्या? शायद इस बात का, क्योंकि हमें ऐसा लगा सन 2019 के अंदर एक जुमला आया 15-15 लाख रुपए, पहले जुमला फेंका गया मार्केट में, 15-15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में आएंगे वो ख़त्म। उसके बाद एक गृह मंत्री जी ने कहा 300 पार, तो इसका मतलब 300 पार का मतलब 300 पार मशीनों में सेटिंग हो गई। अब इनका एक ही नारा 400 पार मशीनों में, आप देखिए लॉजिक जो है वो लॉजिक है नहीं, लॉजिक है तो लॉजिक है, समो हार नहीं मान चुके, ये बेईमानी ये बेईमानी है ये और कुछ नहीं है, इसे आप बेईमानी कहेंगे और कुछ नहीं। आप लोग वैलेट पेपर पे क्यों नहीं आते? वैलेट पेपर पे चुप, क्या हो रहा है? वैलेट पेपर पे चुप, ईवीएम पे ठीक, ये सुनिए, मेरा नाम सलीम जैदी है, ये मेरे सब परिवार के लोग खड़े हुए, मगर ये मेरी आवाज दबा नहीं सकते, ये मेरी आवाज नहीं दबा सकते, चाहे कितना चिल्लाए, ये मेरी आवाज नहीं दबा सकते, चाहे कितना इकट्ठे हो जाए, कितना बोले, ये मेरे परिवार के, समझे? पीछे हो जाइए, सब पीछे हो जाइए, प्लीज सब पीछे हो जाइए, प्लीज पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, आ रही हूँ, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, बोलिए। जहाँ पे ईवीएम नहीं होती भाई की सरकार कैसे आ जाती है? ये केजरीवाल जी के जो कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से केजरीवाल जी सुबह सुबह उठते झूठ बोलते हैं ना, उसी प्रकार से इनके कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं। आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए, जहाँ पे ईवीएम नहीं होती वहाँ कैसे जीत जाते हैं? एक मिनट, एक सवाल। अच्छा एक बात, हेलो, एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को स्लेट पे पढ़ाना पसंद करोगे या कंप्यूटर पे? कंप्यूटर पे पढ़ाओगे ना अपने बच्चों को? तो भाई जैसे मॉडल जमाना हुआ तो ईवीएम मशीनें भी आ गई, जैसे मॉडल जमाना आया वैसे ईवीएम मशीनें आ गई। अब हमारी बहू बेटियां तो भाई सिंदूर भर के ऐसे जाती हैं, कुछ पढ़ते हैं वायलेट गलत गिर जाते हैं, तो हमारे ईवीएम आ गई। मैडम आपको पता है आज उनको जो आज 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 मैं न्यूज देख रहा था,
आज आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि इनको जमानत मिल गई है। जमानत पता किस लिए मिली है उसको? सिर्फ वो छूट मिली है कि कोर्ट में आने और जाने की। शराब कांड से जमानत नहीं मिली है उसको, शराब कांड की जमानत। ठीक है, राहुल गांधी की देखिए हंस क्यों रहे हैं सर? अरे आपने राहुल गांधी का नाम ले दिया स्टॉप पे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या बीजेपी को फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं कि किसी के आने से और किसी के बोलने से हमें फ़ायदा नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारी योजनाएं हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। अभी मेरे भाई ने, सलीम जैदी भाई ने बोला ईवीएम मशीन, जहां कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, बिल्ली खिसियानी बिल्ली, जहां इनकी सरकार आ जाए वहां ईवीएम ठीक, जहां सरकार ना आए वहां ईवीएम खराब। कहते हैं ना उछल कूद में कोई कमी नहीं है, काम नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। ये जो सीएए लागू हो चुका है देश भर में, सीए लागू हो चुका है देश भर में, आपसे ही लूंगी सवाल। नहीं नहीं, आपसे पूछूंगी अब मैं। आइए कैमरा पर्सन, इनसे ही लेंगे आप सवाल। अजीत सर, मेरे सीनियर कैमरा पर्सन अजीत सर, इन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये जो सीए आया है देश भर में लागू हो चुका है, चुनाव से पहले क्यों? मनमानी, ये बीजेपी की मनमानी है ना, ये बीजेपी की मनमानी है। चुनाव से पहले बात ना ध्रुवीकरण करना, ये इनकी मनमानी है। आप देखना ये बाढ़ 18 है, इसी सीट का पता चल जाएगा चांदनी चौक में क्या होगा। ये सीट बीजेपी ने, हमारे भतीजे ने जीती हुई है, इस सीट पे पता चल जाएगा क्या होगा। ये तो भतीजा था तो एक तरफ वोट देना था, अब तो ऊपर का चुनाव है ना, अब थोड़ी होगा वो, समझा नहीं है। ये सीए देखो, हम विदेशी लोगों को अपने घर में बसाएंगे, बीजेपी के विदेशी लोगों को अपने घर में बसाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को तो मिलनी नहीं है नौकरी, प्राइवेट छोड़ी जा रही है ठेकेदारी पे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? विदेशियों को लाके यहाँ बसा लेंगे तो हम, जो हमारे घर में बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको नौकरी दो ना, क्या बाहर को लाके नौकरी दोगे? यहाँ जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और जो बेचारे बाहर भटक रहे हैं उनको काम दो ना, आप विदेश से लाके उनको यहाँ नौकरी दोगे? पहले इनका तो सोच लो, विदेश में बाद में सोच लेना। आम जनता क्या चाहती है, क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? कांग्रेस मांग रही है। क्या मांग रही है? बोलो 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 बोलो। कांग्रेस मांग रही है, कांग्रेस मांग रही है, कांग्रेस चाहते हैं आप? हाँ जी, अच्छे काम करते हैं, मतलब अच्छे काम करते हैं, पुराने हैं, पुराने चावल हैं, बढ़िया काम करते हैं। मतलब कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया तो आपको कांग्रेस चाहिए? जी। कोई 5 अच्छे काम मुझे कांग्रेस के बता दीजिए जो उनके कार्यकाल में उन्होंने किए। सब अच्छे काम करें, जैसे सब चीज अच्छे काम। देखिए यहाँ पे मेरे भाई ने एक बात बोली कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय इतने लंबे समय के कार्यकाल में कोई 5 अच्छे काम मैंने उनसे पूछे वो बता ही नहीं पाए, सिर्फ ये बोला कि सब अच्छे काम करें। बता सकते हैं कोई 5 काम सर से पूछ? नहीं, चलिए सुने आप। क्या चीज़ मैम? कांग्रेस के कोई 5 अच्छे काम उनके साथ? मुझे तो लगा कांग्रेस कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा। बिल्कुल, जो सीए आ रहा है तो मुझे लगा कि बिल्कुल आना चाहिए और बहुत पहले आना चाहिए। क्या बात है? क्योंकि ये हिंदुस्तान में कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो सीए बहुत अच्छी चीज़ है और बेहतरीन है कि आना चाहिए, बहुत जल्दी आना चाहिए, इससे मैं खुश हूँ। CAA लोगों को जानकारी नहीं है, बाहर से लोग आएंगे, रह जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हमें, तो आपने लोगों को जानकारी नहीं, जो कटाक्ष आपने किया है ना, कोई समझे या ना समझे मैं जरूर समझ गई। जानकारी तो लेनी पड़ेगी, हमें रूढ़िवादी से दूर होना पड़ेगा। CAA है क्या? 2014 में जो पलायन करके लोग यहाँ आए तक, उन लोगों को जो लोग अपने देश के अंदर, पुराने भारत में, मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व कुटुंब में एक परिवार है, पुराने भारत अफगानिस्तान के अंदर 35% हिंदू थे, क्या हुआ उनका 0 समथिंग रह गए। पाकिस्तान के अंदर 35% हिंदू थे, क्या हुआ 7% रह गए, कहाँ चले गए वो? कोई प्रजाति ऐसी आई कि ख़त्म हो गए? जो वहाँ परेशान है अगर उनको यहाँ, अच्छा बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उनको केजरीवाल जी कनेक्शन भी दे रहे हैं पानी का, झुग्गियों में सामान भी बांट रहे हैं, उन लोगों को भी तो है ना, वो आए हैं ना, उनसे कोई परेशानी नहीं है, पर किस विशेष लोगों से परेशानी है? अरे भैया उन लोगों की भी तो जिम्मेदारी हमारी है ना,
पूरा विश्व के अंदर जितने भी लोग हमारे जो परेशान हैं, अगर वो यहाँ आ रहे हैं, उनसे दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? इंडिया गठबंधन कहाँ गायब हो गया भाई? ये रहा गठबंधन खड़ा है, गठबंधन खड़ा है, निवासियों को लात नहीं मार रहे हैं, ये गठबंधन खड़ा है। जो निवासियों को इनको लात मारी गई है ना, वो नहीं कर रहे हैं गठबंधन। गठबंधन तो कह रहा है सेफ्टी रहो, गठबंधन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इन लोगों को लात नहीं मार रहे लेटा लेटा के, इनको फिर अकल नहीं है। मुसलमानों को डरा के राजनीति करने वाली कांग्रेस, मुसलमानों के लिए किया क्या कांग्रेस ने? पंचर लगवाया उनके बच्चों से, मैकेनिकल के काम कराया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुस्लिम जो है, ये भाई है, पूछो साइंस साइड से पढ़ रहा है, मुस्लिम जो तरक्की कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, उर्दू के अंदर भी जज बनाए जा रहे हैं। पर रूढ़ीवादी मानसिकता वाले लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मुसलमान के कोई भी बच्चा आगे ना बढ़े, वो पंचर ही लगाए, उनकी गुलामी ही करे, इस तरीके से आगे ना बढ़े, ये बच्चा बताएगा आपको। मैम, पहले तो आपका एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये बीजेपी वालों की गाड़ी मुसलमानों पे आके क्यों अटक जाती है? नहीं, नहीं, मुसलमानों पे नहीं अटकी, मुसलमानों धर्म पर क्यों आके? हम तो फायदा कर रहे हैं। आपने मुसलमानों के अलावा फिर कोई और नाम क्यों नहीं बोला, कोई और जात क्यों नहीं बोली? मुसलमानों को तो पंचर वाला बना रखा है इनको, अभी क्या बोला? मुसलमानों के लात मार रहे हैं। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने मारी थी क्या? बीजेपी में इतने मुसलमान हैं कि कांग्रेस में भी नहीं होंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा खुद का है ना, हम इतना लोग कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। मैम, मैं इतनी देर से ये देख रहा था, आप सबसे सवाल कर रहे थे, अभी करंट में जो सिचुएशन थी इलेक्ट्रोलर बॉन्ड वाली, आपने किसी से नहीं पूछा वो। हाँ, सबसे मेन चीज आप बात कर रहे थे सीएए की, क्यों लागू करा अभी? देखो, सीए लागू होना था, और मैं पहली बात तो शो अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी काफी लंबा चलेगा। कोई नहीं, सीए लागू होना था और वो बहुत पहले होना चाहिए था, मैं उसके साथ बिल्कुल स्टैंड करता हूँ, बट उसको अभी लागू करने का रीजन ही यही था कि ये जो स्कैम हुआ है इसे छुपाना था। बीजेपी ने काम अच्छे करे हैं, मगर बीजेपी पहले क्या कहती थी, एनसीपी है, नेशनल करप्ट पार्टी, आप उसी से गठबंधन हो गया। असम के हमारे सीएम थे वो थे करप्ट, मगर अब वो हो गए बीजेपी के सीएम। काम अच्छे करे हैं बीजेपी ने, काम अच्छे करे हैं, बट उन्होंने क्या करा, जिस बात के लिए मना करा उन्होंने पीठ पीछे पीछे जाके हाथ मिला लिए। अब हमारे कमल भाई है, मैं कट्टर कांग्रेसी था, भाई खड़े हुए, मैंने बीजेपी को वोट करा, क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये भाई काम करेंगे, और यूथ को क्या चाहिए, क्या पार्टी काम करे। आज के टाइम पे ये रिलीजन, ये बीजेपी कांग्रेस, इससे उठ के बहुत ऊपर देखना चाहिए। देखो, हम जिस इलाके में है ना, यहाँ एजुकेशन लेवल ना, ये ना समझ लीजिए बहुत मीडियम है, बहुत अबव नहीं है, तो जब हम सोचेंगे ना कि सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट हो, तब हम ये सवाल करेंगे। ये नहीं कहेंगे मंदिर बना, मस्जिद बनी, वो बनती रहनी चाहिए, मंदिर मस्जिद बनती रहनी चाहिए, मगर देखो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बचा रहना चाहिए। तो देश बचा रहना चाहिए, अपने आप को धर्म में पार्टी में मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, या जिंदगी ऐसे ही बितानी है। बस मैं यही कहूँगा, वोट देने से पहले ये सोचना कि आपके इलाके में विकास हुआ है या नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, विकास को वोट देना, विकास को वोट देना। आपने अभी एक सवाल किया था, गठबंधन कहा गया, मैं तो कहता हूँ वो गठबंधन ही था, महाठक बंधन था। ये सब भागते फिर रहे चूहों की तरह, जितने भी ये अपने गठबंधन में आए ना, ये सारे भाग रहे, ये डरे हुए हैं मोदी जी से, ये पूरी तरह, क्योंकि मोदी जी एक ईमानदार बच्चा, बच्चा आज किसी से भी पूछ लो, मोदी जी के लिए हर बच्चे, किसी भी बच्चे को मोदी को जानते हैं, राहुल गांधी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। वो भागा दौड़ी कर रहे हैं और भागते रहेंगे, नहीं जानते मैडम। सालों से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस थे, इतने सालों में इन्होंने राज करा था, इन्होंने अपने नाम करा है, राहुल गांधी अस्पताल रिया, राहुल गांधी वो रिया, राहुल गांधी वो रिया, इन्होंने अपना काम करा है। मोदी जी ने 10 सालों में काम करा भी है, नाम भी करा है, लेकिन दिखाया है विकास, दिखाया कि हमने कुछ करा है, हमने तो मोदी जी है जी, बीजेपी है। ऐसा है, जनता को समझाया गया है, आपको पता है माननीय पार्षद जी यहीं के हैं, मगर आपका सवाल था कि अभी ही क्यों? जी, अभी क्यों? चुनाव से खौफ, लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाए, किसी तरीके से ये 400 पार हो जाए, कोई ना कोई खौफ होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है यूट्यूब पे, दो लोग जाते किसी दुकान वाले के पास, हम ईडी से आए, उन्हें रुको भाई रुको, उन्हें जल्दी गमछा उठाया माननीय पार्षद जी वाला और गले में डाला, उन्हें नहीं नहीं ये तो ठीक है, चलो अगली दुकान देखेंगे।
तो ये चल रहा है और कुछ नहीं है, ये खौफ है खौफ। अच्छा रही बात अयोध्या की, बहुत अच्छी बात है मंदिर बनाया, मंदिर बनना भी चाहिए था। आरोप हमेशा इबादत की जगह है, मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो चर्च हो, मायने रखते इबादत की जगह है, सबकी इबादत परवरदिगार सलामत रखे। मगर न्यूज आप भी देख रहे हैं, न्यूज हम भी देख रहे हैं, कई ऋषि मुनियों ने कई महात्माओं ने क्या, अभी तो इसका काम पूरा हुआ ही नहीं, इसका उद्घाटन ही नहीं होना चाहिए था, ये क्यों कर दिया उद्घाटन? क्योंकि चुनावी भुनाना है, चुनाव भुनाना है। ये आपकी ही न्यूज की बात करी है, ये जब मंदिर जब पैदा बच्चा पैदा होता है ना, जब से पहनता कपड़ा पहनता है नंगा पहन के पैदा है, अब ये मंदिर बनेगा जो जब तक जिंदगी रहेगी ना, जब तक मंदिर बनता रहेगा, ये तो ड्रामाबाजी है। ईट जब तक सूरज चांद रहेगा ना, राम का नाम चलता रहेगा इतिहास में, इसी तरह चलेगा, उस पर ईट पे ईट चलती रहेगी जिंदगी, जब तक मंदिर का काम काज चालू हुआ है ना, जब तक कोई मंदिर रहेगा जब तक उसका काज चलता रहेगा। अच्छा चलो मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट क्यों काटी, कि अब उन्हें संन्यास लेना पड़ गया, क्या जनता को काम पसंद नहीं आ रहा है, क्या समस्या आ रही है? काम उन्होंने करा ही कहाँ है जो पसंद आएगा, आए कहाँ है वो। अब मैं देखो, मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करता हूँ, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि खड़ा हूँ, मैं तो अपने नेता को कहूंगा आया था नहीं आया था, गया था नहीं गया था, पता तो इन लोगों को भी है कि हर्षवर्धन जी 5 साल में कितने चक्कर लगा के गए वार्ड रामनगर के अंदर। पहले ये वार्ड 89 हुआ करता था, फिर ये वार्ड 91 हुआ, अब ये 80 है। कितने एमपी जी ने कितने चक्कर लगा दिए, कमल भाई ने कोई काम करा तो फोन करके प्रोटोकॉल है, बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाएंगे तो फिर खतरे में हो जाएंगे, ये है बस। ये कह रहे प्रोटोकॉल है, मैं बताता हूँ, नहीं प्रोटोकॉल होता है एमपीजी का काम, ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो है गरीब दलित समाज का बहुत बड़ा एक रोल है, यहाँ पर संख्या ज़्यादा है गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की। हमारे सांसद जी ने धर्मशाला बनवाई बाहर, कम्युनिटी सेंटर, हाई मास्ट लाइटें लगवाई, आरा कच्चा रोड का इतना बड़ा रोड बनाया, यहाँ से कनेक्ट करेगा सीधा खारी बावरी को, एक पुल का उद्घाटन हो चुका वो बनेगा। उसके अलावा दुनिया जान के काम, विधवाओं की बेटी के लिए 25,000 रुपये उनके यहाँ से दिए जाते हैं, उसके फ्री कैंप लगे हैं, हेल्थ कान की मशीनें, चश्मे, दुनिया जान की चीज़ें। पर क्या है, अंधा बांटे रेवड़ी, ये वही देखेंगे, क्योंकि अंधे थे अपने अपनों को बांट रहे थे, हम जनता को बांट रहे, जनता बताएगी। आने वाले चुनाव में रामनगर वार्ड नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और रामनगर वार्ड नंबर 1 पर आएगा लोकसभा चुनाव में। ठीक है, लोकसभा चुनाव की हुंकार चांदनी चौक की बल्ली मारान से जनता हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बोल भारत बोल का आज का ये कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं। मोदी चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नारा किसका है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किसकी तरफ हैं। और तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।